चलिए तो अब रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों की। पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन, 18 जिलों में होगा पहले चरण का मतदान। नामांकन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम योगी के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन, सीएम योगी कई जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे आरामबाग सीएम करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी का मिशन बंगाल। पश्चिमी बंगाल के फलता के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी जिस साहस के साथ टीएमसी के गुंडों का सम्मान कर रहे हैं, आपको 30 दिन का इंतजार करना है, टीएमसी का समय खत्म हुआ। दो मई को भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी तो टीएमसी के गुंडे इसी प्रकार जन की भीख मांगते नजर आएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडे मांगते हैं। बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार, सीएम योगी ने यह कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान और दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा। एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेगा। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर बंगाल के नौजवानों को कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने की अनुमति दी है। बंगाल का नौजवान अब जम्मू कश्मीर में बस सकता है। बंगाल का नौजवान अब जम्मू कश्मीर में बस सकता है। कोलकाता में रोड शो के दौरान जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है लेकिन टीएमसी के गुंडों ने अराजकता की धरती बना दी है। गरीबों की मदद करने के लिए सीएम योगी नंबर वन, सीएम योगी पिछले सरकारों से कई गुना ज्यादा की है मदद। सीएम योगी ने 4 साल में दिए 10 अरब रुपए, सीएम बने गरीबों के भगवान। दिल्ली में होगा अयोध्या पर्व का 3 दिवसीय आयोजन, 5 से 7 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राम मंदिर मॉडल मुख्य आरक्षण होगा। कानून मंत्री बृजेश पाठक का बयान, कोविड 19 से बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, ऑनलाइन और दूरदर्शन के जरिए शिक्षा करेंगे प्रधान। लखनऊ में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने लगवाई वैक्सीन, सिविल अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन। लखनऊ में दीपक कुमार ने लगवाई वैक्सीन। लखनऊ में एसीएस सूचना नवनीत सहगल के वैक्सीन लगवाई है। नवनीत सहगल की पत्नी वंदना को भी वैक्सीन लगी है। सिविल अस्पताल में कोविड सेंटर में लगवाई गई है ये वैक्सीन। यूपी में कोरोना का कहर जारी, यूपी में कोरोना मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 3000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है, वही तमाम सख्ती और निर्देश के बाद भी जनता कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की आवास पर छापेमारी, शहर कोतवाली क्षेत्र के कालीकुत्ती स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप। जौनपुर में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जारी, नामांकन करने पहुंची धनंजय सिंह की पत्नी कला सिंह, जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा दाखिल किया। कानपुर में चौबेपुर में बुजुर्ग महिला ने किया नामांकन, विकास कार्य ना होने के लिए कराया नामांकन। 81 साल की महिला चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। मुरादाबाद में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद गांव की तरफ रुख की, नौकरी छोड़ने के बाद प्रधान के चुनाव में जुटे हैं, रोजाना घर घर जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं।
पीलीभीत में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम पुलकित घेरे ने ब्लॉकों में नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण किया है। पीलीभीत में डीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए। वहीं नामांकन पत्र खरीदने आए प्रत्याशियों से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की मांग की। लखनऊ में एसडीएम अजय कुमार ने की बैठक, ग्राम पंचायत को लेकर की बैठक, लोगों को किया जागरूक, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर किया जागरूक, चुनाव प्रचार कर रही वाहनों को रोका गया और सीज किया गया। इस दौरान कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब ट्रैफिक कंट्रोल पर विरोध ध्यान देने जा रही है। कानपुर के प्रमुख चौराहे पर जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए रणनीति बनाई गई। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इमामबाड़े की दीवार के निर्माण शुरू कर दिया गया है। जिला निगम की लापरवाही से गिर गई थी ये दीवार, सिविल लाइंस डालने के दौरान गिरी थी ये दीवार। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। प्रयागराज में सभी कोचिंग बंद करने के आदेश, 11 अप्रैल तक बंद करने के आदेश है। कोरोना को देखते हुए लिया गया ये फैसला। प्रयागराज में 11 अप्रैल तक सभी कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। जालौन में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। जालौन में 74 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर किसानों को अपने गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन नंबर लगवाने पड़ेंगे। मिर्जापुर जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर सिटी विकास खंड के नुआ गांव के आधुनिक खेत कर रहे राजवीर दुबे की खेत पर कमिश्नर पहुंचे। गोंडा में एसपी ने धानेपुर कोतवाली का किया निरीक्षण। चौक चंबंद मिली थाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बैठक कर की सूचना तैयारियों की समीक्षा। मथुरा में पीएफआई के पास सदस्यों की 1 मई को होगी अगली पेशी। एडीजे पोस्ट कोर्ट ने किया ये फैसला है। एसटीएफ लखनऊ ने किया चार्जशीट दाखिल। कोर्ट ने किया एसटीएफ की चार्जशीट दाखिल। 31 मार्च को हुई थी वर्चुअल तरीके से पेशी। आगरा में प्रेमी की बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की गई है। ससुराल वालों ने प्रेमी को डंडे से की पिटाई। पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजनौर में महिला से छेड़खानी करना पड़ा भारी। महिला ने की सभासद की चप्पल से पिटाई। पुलिस के सामने भी महिला ने की जमकर धुनाई। पुलिस ने आरोप सभासद के खिलाफ दर्ज किया केस। पुलिस ने सभासद को लिया हिरासत में। यह पूरा मामला किरतपुर थाना इलाके का है।